अब मैं ना इस चूल्हे को जरा आग और जल जाएगी। और उन्होंने वो देखे शाम हो गया। और मैं जो हूँ मैं आपको बताती हूँ मेरा शूट कहाँ पे हो रहा है। मैं गाड़ी के ऊपर बैठ गई हूँ। मैंने कहा आराम से गिरा ना देना मुझे ये आराम से। अब हो गया ना है? और सोने जो है ना एक ही भाई है और इनकी दो बहने हैं। कल अस्सलामुअलैकुम। तो प्यारे वाले गाइस वेलकम है आपका हमारे एक और न्यू फ्रेश व्लॉग में। हमारा सारा प्यार है आपके लिए, आपके लिए हमारा सारा प्यार। तो सबने ये बात की थी कि गांव के आप व्लॉग्स बनाएं, गांव के व्लॉग्स बनाएं। तो आज हम जाने लगे हैं गांव में और आज हम आपको तफसीलन बताएंगे। एक कमेंट ये भी आया था आपकी फैमिली में कितने मेंबर हैं और आप सारे कहाँ पे रहते हैं और कहाँ पे नहीं रहते, ये घर कहाँ पे है, वो घर कहाँ पे है। आज सारा कुछ हम आपको डिटेल से बताएंगे इंशाल्लाह। रूटीन उठाऊं, मोटर चलाइए, पानी बहुत गर्म था। फ्रेश होने के बाद नाश्ता किया, नाश्ता करने के बाद नेक्स्ट वहीं से का हमारा ब्लॉग शुरू होता है। जैसे कि दरवाजा खुल गया, अब गाड़ी निकालेंगे हम बाहर। बैठ गए गाड़ी के अंदर, निकालते हैं बाहर, फिर ये लगा लेना ब्रेक गियर। ठीक है, अब गाड़ी रिवर्स होने लगी है और रिवर्स करने से पहले हैंड ब्रेक को नीचे। मैं चलता हूँ। ये स्टैंड सही किया ना मैंने। अब यहाँ पे कैसा लग रहा है ना, तो ड्राइविंग करने में कोई मुश्किल है ना तो किसी चीज में मुश्किल है। तो कैसा लग रहा हूँ मैं आज सलवार कमीज के अंदर। दिल मेरा कर रहा है मैं अपने कजन को लूँ घर से। अभी मैंने इसी मोबाइल से फोन किया क्योंकि मेरे पास दो मोबाइल थे, एक ही मोबाइल था। और मैंने अभी कजन को फोन किया, मैंने बोला आ जाओ घर से बाहर, मैं रोड पे खड़ा हूँ। वालेकुम अस्सलाम। चलें? चलो चलते फिर हम चलें। चलो अब हैंड ब्रेक नीचे छोड़ दें। नहीं शेरा, राम राम से छोड़नी है वरना गाड़ी फुदक आगे जाएगी। ओके शेरा, अब हम चलें। चलो चलो जी चलें। एक मिनट नहीं, चलो जाने दो। परफ्यूम सरफ्यूम लगाए हो शेरा? इतर शितर लाया, खुशबू नहीं आ रही, लाया हुआ। वही तो मैं कह रहा हूँ शेरा, कैमरा लगा हुआ ना। अच्छा अच्छा, कैमरा लगाया, बताया नहीं है। नहीं, आप कब से देख रहे हो, चोरी चोरी देख रहे हो आप हैं। अब हम पहुंच चुके हैं मस्जिद में, अब जा रहे हैं मस्जिद में। माशाल्लाह हम लोग जुमा पढ़ के आ गए हैं। अब फिर ये मोबाइल जो है फिर उसी जगह पे स्टैंड पे लगाते हैं, यहाँ पे अब दोबारा लगा देते हैं मोबाइल। क्या जाना मंडी, क्या लेने? सब्जी लेनी, सब्जी लेनी है हमने। अब हम मंडी आ चुके हैं। मंडी आने के बाद मैं ये फर्स्ट दुकान पे आया हूँ। ठीक है, दुकान पे आने के बाद यहाँ से भिंडी लेते हैं, 2 किलो करवा लेते हैं। 2 किलो कर दें आप। नुसरत फतेह अली खान की कवाली हो जाए अब। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह अपनी सोसाइटी के अंदर एंटर हो गया हूँ। अब जैसे कि मैं पहुंच गया हूँ घर पे, के बाद अब मेरा इरादा है कि गांव चलते हैं। अब सोने को बोलते हूँ चलो रेडी हो, हम गांव चलते हैं। सोने जो है मुझे बुला रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, तशरीफ ले आइए। प्यारे वाले गाइस अभी हम निकल चुके हैं गांव के लिए। ये हमारा गेट आ गया है, इसको हम कह देंगे बाय बाय और आगे चलने लगेंगे हम गांव में। गांव हम जाने लगे हैं तो रास्ते में याद आया कि क्यों ना कुछ खाने के लिए मिल जाए। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, हम सोदिया में ऐसी चीजें लेते होते थे। अब आपने क्या खाना है? तो लेस लूस ले ले। लेस किधर है रे? देखते हैं अभी, ढूंढते हैं कि कहाँ पे है लेस। लेस 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 या केक और क्या चीजें हैं, रुके देखते हैं। खाने लगे हुए हैं, बहुत आई ये यादें, मगर इस बार तुम यहाँ ना आ गया। चले बस ले लिया मैंने ना, मेरा स्लांटी खाने का बहुत दिल कर रहा था, कप केक खाने का बहुत दिल कर रहा था, तो वो ही चीजें मैंने ली हैं। आ जाए तुम, ये मैंने ले ली हैं अपनी लेज लेज, तो ये वाली चीजें ली हैं। और अभी हम बैठने लगे हैं अपनी प्यारी वाली घोड़ी में। वहां से आ जाएंगे मेरे प्यारे वाले सोने और यहाँ से आ जाऊंगी मैं। गांव वाली रोड शुरू हो गई है। इतने लोग पूछ रहे थे कि आपका गांव कौन सा है, आपका गांव कौन सा, तो आपने बताया ही नहीं। 42D है गांव का नाम। 42D किस किस को पता कि ये कहाँ पे है? गांव में पहुंच गए हैं तकरीबन हम गांव में पहुंच चुके हैं। और रास्ते में गाड़ी खड़ी करी है क्योंकि एक मैंने बोला वीडियो बना लेते हैं टिकटॉक की, और उसको बनाते बनाते जो है वो देखे शाम हो गया। और मैं जो हूँ मैं आपको बताती हूँ मेरा शूट कहाँ पे हो रहा है। मैं गाड़ी के ऊपर बैठ गई हूँ। मैंने कहा सुनो यहाँ बैठ के वीडियो बनाते हैं, पता नहीं आप वीडियो टिकटॉक पे पोस्ट करेंगे कैसी बनी है कैसी नहीं बनी, गाँव कितना प्यारा लग रहा है। आप भी चले, आप मुझे तारे अब तारे उतर गई। यहाँ पे क्या हो रहा है पापा जी?
ये अपनी गन्ने की फसल है, उसको पानी आज लगा रहे हैं। अच्छा माशाल्लाह, आप क्या पानी इसको रास्ता बनाने लगे, पानी का रास्ता बनेगा ना है? पानी का रास्ता देखेंगे, इन्होंने मिट्टी निकाली। वाह क्या बात है, हैं? देख लो फिर। हाँ देख लिया, बहुत काम करते हैं आप, देख लिया मैंने। ये देखिए गाइस, ये खेतों में क्या लगा हुआ है, ये क्या चीज होती है आपको पता है गाइस? मुझे भी बताना भाई, अपनी जमीन पे पानी लगा हुआ है ना। आगे चलते, सोने को देखना जरा, बिल्कुल गांव में आगे ना पहुंचे ऊपर। सही है गाइस, मैं कैसी लगती हूँ, मैं गांव वाली आपको लगती हूँ कि गांव वाली नहीं लगती? मेरा पाँव ना बीच में चला जाए, ये मैं कह रही हूँ आपको। अगर ये देखें गाइस, मैं आपको बताती हूँ, अगर पाँव बीच में चला गया तो फिर कैसे अब पानी कीचड़ से कैसे निकलेगा है? आप बताएं ध्यान से, बिल्कुल गाइस आपको बताऊं मैं, ध्यान से देख देख के चलना पड़ता है कि पानी जो है ना पाँव में ना चला जाए, ना लंग आ जाता है ना टाप आ जाता है। फिर हम आहिस्ता आहिस्ता चलते, मुश्किल से लंग टाप लेते हैं आप। सोने आप ज्यादा गीली जगह आ गए ना यार, सुबह का पानी लगा है ना, यहाँ कुछ नहीं होता। ओके, अगर कुछ हुआ ना फिर मैं आपको बताऊंगी। मैं हूँ ना उठाने वाला। हाथ पकड़ के लेके जाए। अच्छा इधर आए, आप इधर आएंगे फिर? नहीं आप इधर आएंगे फिर? अल्लाह आप देख रहे हैं, मैं हाँ जाऊँ, अगर बीच में पाँव में चला गया तो फिर नहीं जाता। ओहो अब नहीं मैंने यहाँ से आना। अब आगे आराम से। क्या हुआ? खरबूजे और मिर्चे लगाई हैं, पापा कह रहे हैं यहाँ पे खुद लगाओ पानी। आज खुद पानी लगाए हम। अब देखना अब ये पानी आगे आगे, अब आगे से जाना कैसे आपने? मैं तो यूं चला जाऊंगा। क्या ऐसे कैसे वहां से आओ? अब मैं कैसे आऊं? आपने मुश्किल में डाल दिया। आगे अब गाइस ये सोने, मेरे पाँव बीच में नहीं फिसल जाए, रुक जाए। अभी गाइस मैं आपको जाके दिखाती हूँ दूसरी तरफ, लेकिन यहाँ से जो है ना पानी से नहीं जाना, मैं गिर ना जाऊं। इधर से आ जाओ ना, बस ना ये देखो असने पसने हैं, दोनों गिरेंगे नीचे। मैंने कहा आराम से गिरा ना देना मुझे। ये देखें, ये हमने मिर्चियां लगाई हुई हैं, देखना जरा गाइस। ये इधर दरवाजा, छोटा दरवाजा लगा हुआ था, इधर से इतना आसान रास्ता था, लेकिन इन्होंने वो मुझे घुमा के उधर से लेके आए। आपको याद है यहाँ पे पिछली दफा ट्रक लगा हुआ था है ना, जिधर से गंदम निकल रही थी, याद है आपको? ये वो वाली जगह, यही वो वही वाली जगह जहाँ पे ना वो आगे ट्रक लगा हुआ था, और ये मुझे वहां से लेके आए। वो अंदर हमारा उधर घर है ना, वो देखिए, वो आपको हमारे गाय नजर आ रही है, ये हमारा घर है। पानी लगाने लगे हैं आप? ये ऐसे पानी लगना है, सफाई होगी, सफाई होने के बाद पानी लगेगा। कैसे पानी लगेगा ना, पहले सारा क्लीन होगा, क्लीन होने के बाद पानी लगेगा। अच्छा ये देखें, पानी आएगा कहाँ से? वो वहाँ से पानी आएगा ना, अपना टूवेल चलेगा। अच्छा टूवेल के बाद फिर यहाँ पे पानी आएगा, ये अपनी जमीन में। वाह ऐसे, अब ये जगह साफ होगी सारी, पानी स्टार्ट हो गया। ये आपने जानबूझ के ऐसे ऊपर रखा? नहीं मैं पानी लगा रहा हूँ, देखो मेरे पहुँचे भी ऊपर है। बड़ी बात है। पापा जी ये पानी लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते? नहीं लगा सकते, पहले भी पानी लगाते रहे। अच्छा हाँ, मुश्किल थोड़ी है पानी लगाना, कौन सा मुश्किल है? कैसे लगाते हैं? चलिए आप बता देते, मैं मान जाऊं। यूं करना है और पानी लगा जाना है। वाह, खरबूजे लगाए हैं और इनको पानी लगा रहे हैं, ये इसको। अच्छा और आगे ये मिर्चे पहले कम थी, अब माशाल्लाह अच्छी लग गई हैं, लाल लाल हो रही हैं, देखो ये देखें, ये लाल लाल हो रही हैं, देखें ये देखें लाल लाल हो रही हैं। वाह माशाल्लाह, आपका काम खत्म हो गया? खत्म हो गया। पानी आ गया ना इधर, कैसे ये आ गया ना पानी? अच्छा वो बस वहाँ से सुराख से कुछ करते हैं,
खड्डा खड्डा रास्ता रास्ता बनाना है पानी का। हाँ। पानी का रास्ता बनाना है, पानी आता जाएगा। अब पानी आस्ता 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 वो उधर देखो, उधर इधर हर जगह में पानी देखो। खरबूजे के निकले हुए किधर, ये देखो ये भी पानी आ गया। ये देखो ये तरबूज लगे में, तरबूज नहीं है खरबूजे, खरबूजे खरबूजा आपने नहीं ना लगाए इसीलिए आपको नहीं पता। ये देखे ये पापा ने लगाए है ना, तो पापा को पता कि खरबूजे हैं, आपने नहीं लगाए ना और आप कह रहे तरबूज लगा हुआ। गलती हो गई, कोई बात नहीं। ये देखे सारा पानी आ गया है, अब आस्ता आस्ता सारी जगह में पानी जाएगा। ये क्या हो रहा है सोने, वो स्प्रे डाल रहे हैं। पापा कह रहे हैं इससे क्या नहीं आते, इससे बीमारी नहीं पड़ती, बीमारी नहीं पड़ती। अच्छा कीड़े वगैरह नहीं पड़ते? हाँ कीड़े फसलों में, हाँ फसलों में कीड़े वगैरह नहीं। वाह माशाल्लाह सही। अब आप स्प्रे करेंगे? अब मैं स्प्रे करूंगा ना, अभी देखते हैं। पहले बिजली वाली थी, अब ये बटन वाली है। अभी देखते हैं कि ये जो है ना स्प्रे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, देखते हैं। तो ये बंद कर दिया, अब इसको बंद कर दिया। तो कपड़े सारे गंदे हो जाएंगे आपके? नहीं होते हैं, नहीं होते, नहीं गंदे होते। क्या बात है, राम से राम से राम से। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इनको देखना जरा स्प्रे करने लगे हैं। मैं भी साथ साथ में जा रही हूँ, पापा भी आगे आगे इनको बता रहे हैं। इधर देखना कैसे ऐसे 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 स्प्रे करते हैं, ये ऐसे करते हैं। आप आगे जाओ ना जरा दिखाओ फिर। वो कहते हैं टूरिया जा टूरिया जा, आराम आराम से करना। अच्छा अच्छा बस बस, वो सारे कह रहे हैं बस। बटन कैसे बंद किया है, बस हो गया। मुझे नहीं कह रहे, आपको कह रहे कि ये लग ना जाए, इसे फिर एलर्जी हो जानी आपको। बस चलो ठीक है, चलो आप बस। अब हो गया, अब हो गया ना, बस 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 हो गया। मिर्चो मिर्चो सारी में हो गया है, सुन ले आप मेरी बात। कैसा लग रहा है आपको स्प्रे करके? अच्छा लग रहा है कि नहीं? अच्छा लग रहा, बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है बहुत अच्छा। ये बस हो गया, अब ये हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। चले अब शुक्र, अब बस खत्म हो गया। अब वो बाकी भाई को बोलूंगा खुद ही लगाओ, मुझे नहीं आता। चले अब आप जाए, अब बाकी जो है ना वो भाई लगाएंगे। इनको देखना जरा माशाल्लाह, ध्यान से। मैंने कहा वाह जी आज तो क्या ही बात है, खेतों में पानी लगा, स्प्रे लगा, डन 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 डन, चल चल के पिस पिस करके स्प्रे लगा। मैंने पांच ऐसे उठाए गए गाइस, क्या क्या नहीं हुआ क्या आज। लेकिन आज हमारे पास टाइम बहुत कम था क्योंकि शाम हो गई है, शामा पै गई ने, तो उन्हें सब वापसी जा लग गया। और गाइस मैंने आपको एक और बात शेयर करनी थी, वो बात ये वाली है कि आप लोग जो है ना कमेंट्स करते हैं, एक मिनट इधर कैमरामैन फोकस, आप लोग कमेंट्स करते हैं कि प्यारी मरियम आप जो हैं कहाँ पे रहती हैं, गांव वाले गांव में क्यों रहते हैं और शहर वाले मतलब कि आप घर किधर है। बात सारी ये है गाइस, अब गांव में देखें ना इतनी सारी माशाल्लाह माशाल्लाह ज़मीन है, उसमें ये चीज़ें लगी हुई हैं, सब्जियां वगैरह लगी हुई हैं, उसके बाद इतने ज़्यादा वो गायें भैंस बकरियां शकरियां, तो वो उनके पास भी तो किसी ने रुकना है ना। और ये जो गांव है ना हमारा, ये 15 मिनट अभी जितना मैं आपको रास्ता दिखाती हूँ ना, 15 मिनट में उस घर से इधर तक हम आ जाते हैं। घर हमारा वही वाला है, लेकिन हम इधर आते रहते हैं, देखते रहते हैं कि कोई चीजें खराब ना हो जाए। आपको पता है ना, फिर देखना तो पड़ता है। अब आपका मोबाइल है, यहाँ पे भी घर है। हाँ यहाँ पे भी घर है, लेकिन ना यहाँ पे हम ज्यादा नहीं रहते हैं, इधर बस हम विजिट करने के लिए आते हैं। विजिट मतलब कि इस तरह देखने के लिए आते हैं। मिर्चे ठीक है, तरबूज ठीक है, गंदम ठीक है, और क्या सुने, और मकई मकई ठीक है, सारा कुछ ठीक ठीक है। इस तरह सुबह आते हैं, सुबह के टाइम फजर के टाइम देख के ईशा के टाइम वापस सारे उधर ही चले जाते हैं। आप मेरे हमारे व्लॉग्स में मामा भी आती हैं, पापा भी आते हैं, नाश्ता भी हम साथ करते हैं। फिर आप लोग कैसे कह सकते हैं कि आप लोग उधर रहते हैं या इधर नहीं रहते, अकेले रहते हैं? बात ये है कि घर एक वो भी है, घर एक ये भी है, क्योंकि यहाँ पे सेपरेट घर है, क्योंकि यहाँ पे पापा ने सोना भी होता है दोपहर के अंदर भी, दोपहर में भी सोना होता है, पूरा दिन बंदा काम थोड़ी ना करेगा। फिर और भी लड़के हैं, और भी यहाँ पूरी फैमिलियाँ रखी हैं, जो जो हमारे पास काम कर रहे हैं ना उनकी पूरी विद फैमिली हमने रखी हुई है, ना तो उनको कोई टेंशन हो, उसको फिक्र ना हो कि मेरी बेगम मेरे बच्चे, नहीं। हम लोगों ने उनको भी यहाँ पे सेपरेट उनका घर बना के दिया कि आप लोग भी अपनी फैमिली लेके आओ यहाँ पे रखो, और बाकी जब पापा रात को जाते हैं घर पे ठीक है, सुबह आ जाते हैं इधर, नाश्ता हम लोग इकट्ठा करते हैं सुबह,
ठीक है, रात को खाना भी इकट्ठा खाते हैं, रात को इकट्ठा खाते हैं, दोपहर में पापा जो हैं वो यहाँ पे करते हैं, ठीक है, और मम्मा भी कभी कभी आ जाती हैं पापा के साथ, ठीक है, शाम को वापस मगरिब से पहले पहले पापा वापस आ जाते हैं, मम्मा वापस आ जाती हैं, घर हमारा वही है, सारे मम्मा पापा हम लोग बहन भाई सारे हम लोग उसी घर में सोते हैं। और जो आप कह रहे हैं ना फैमिली से मिलवाएं, और आपको पता था फैमिली में, अब फैमिली में बताएं आप कौन कौन लोग हैं, फैमिली में कौन कौन है, दो तो हम हो गए, ठीक है ठीक है, एक मम्मा एक पापा एक मेरी आपी, हम पांच मेंबर हैं टोटल, बस इतने बंदे हैं, बस पांच लोग, और पांच लोग हम कोई अकेले रहते हैं, पांच लोग हम कोई ये तो नहीं है कि पांच एक बंदा इधर है दो बंदे उधर है, नहीं हम इकट्ठे ही रहते हैं, रात को हम खेलते हैं रैकेट्स, रात को हम लोग गोलगप्पे खाने जाते हैं, लेकिन उसका हम व्लॉग नहीं बना सकते क्योंकि ना बहुत अंधेरा हुआ होता है, इस टाइम बहुत अंधेरा हुआ होता है, तो इस वजह से हम रात वाला व्लॉग नहीं बनाते हैं, जब हम गोलगप्पे खाने जाते हैं, गोले खाने जाते हैं, फिर बैट बॉल खेलते हैं, शटल खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, तो इस वजह से, और अब अंधेरा बहुत हो रहा है, इसका मतलब हम यहाँ से बनी गाइस हमारे दो घर है माशाल्लाह, दो घर, इसलिए एक गांव में घर है, गांव में अभी आपने देख लेंगे ना सारा कुछ चीजें साथ में देखनी पड़ती है इसलिए, और एक जो है ना हम उधर रहते हैं, ये नहीं है कि एक मैंने कमेंट्स पढ़ा आप लैदा रहती हैं, एक एक ना पुत्र वे वो भी लैदा रहते हैं, क्या मतलब है, हाँ सोने और भी बात बताएं ना सोने कि हसीब भाई जो है ना वो क्या लगते हैं, कुछ लोगों ने कमेंट्स किया कि प्यारी मरियम आपका देवर साथ में होते हैं, तो इनको बताएं कि कौन लगते हैं, अंदाजा लगाया उन्होंने, ये मेरी खाला का बेटा है, हाँ, और ये जो है ना दो बेटे हैं, एक छोटा और एक बड़ा, और ये दीप भाई जो है ना इनकी हाला के बेटे हैं, और इनका घर हमारे घर के पास पास है, तो हम जब भी घूमना होता है हम इनको साथ ही लेके जाते हैं, भाई आ जाओ चले, हाँ हाँ, अब आपको क्लियर हो गया कि जो कमेंट्स में पढ़ती हूँ ना और मेरी आंखों के आगे से कमेंट गुजर जाता है, तो मैं उसका जवाब दे देती हूँ, आप बता दें आप कितने बहन भाई हैं, जरा क्लियर से बता दें, हम लोग टोटल तीन बहन भाई हैं, जो कि दो मैरिड हो चुके हैं, एक मैं और एक मेरी बड़ी सिस्टर, एक बिस्मा रह गई, बिस्मा तो आप लोगों ने देखी भी है ब्लॉग में भी, ठीक है, बिस्मा एक रह गई है बस, और सोने जो है ना एक ही भाई है और इनकी दो बहनें हैं, क्लियर, एक ही एक हूं, बस इतनी सी सी फैमिली है माशाल्लाह माशाल्लाह, अब हो गया इंट्रोडक्शन, एक मामा एक पापा, ठीक है, एक बिस्मा एक सोने और एक मैं, एक घर में हम कितने लोग रहते हैं, दो और दो चार और एक पांच, बस इतने से तो रहते हैं, आपस की बात बताऊँ, ये चूल्हा मैंने नहीं जलाया है, ये जो इधर आंटी रहती है ना उन्होंने चूल्हा जला के दिया है, अब मैं ना इस चूल्हे को जरा आग और जल जाएगी, और उन्होंने ये दूध गर्म करने के लिए ऊपर रखा हुआ है, अगर वो तंदूर सा जलाती ना तो फिर मैं आपको जरूर रोटी बना कर दिखाती, लेकिन उन्होंने जलाया नहीं, अब गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, ये ऐसे ये जो आंटी है ना ये ऐसे करके लकड़ियाँ तोड़ के ना ऐसे आग जलाती हैं, और ये दूध जो है ना गर्म हो रहा है, कैसी बात है, चूल्हा देखे तो सही, कितना चूल्हा ऐसे आपको जलानी आती है सही लकड़ियाँ, वाह माशाल्लाह देखे इन्होंने लकड़ियाँ जलाई हैं इन्होंने, और आप क्या करने लगे हैं, मैं भी लकड़ियाँ लगाने लगा हूँ, बस करें कपड़े खराब हो जाएंगे आपके, धोने आप नहीं है मैंने कौन से धोने हैं, बस चले ठीक है इसीलिए कह रही हूँ मैं, चले उठ जाए उठ जाए उठ जाए, इसको ऐसे करते हैं, किसको, इसको ऐसे किया, वो कह रही है बस कर दो, वो कह रही है बस कर दो, बस कर दिया, गाँव से आके हम लोग घर पहुंच गए थे, घर पहुंचते पहुंचते कजन ने फोन किया कि हाँ भाई किधर हो आप लोग, फ्रेश हुए घर पे आके, फ्रेश होने के बाद क्योंकि गांव से जब हम लोग आए तो इतनी डस्ट थी क्या बताएं आपको रास्ते में, और गांव में तो फिर मिट्टी होती है, और ये था हमारा आज का व्लॉग, अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और बेल आइकन को बजाना ना भूलिएगा, ओके अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय।